तो इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम हाईलाइट कर दें आज का जो बज़्मे अदब सजी हुई है उसको। बेशक आप ये बताइए आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे तो बिल्कुल ईद तो बिल्कुल जोर शोर पर चल रही है, बिल्कुल क्योंकि हम क्विज नीचे आके करेंगे आप लोगों के साथ। व्हाट डू यू गाइस से? आवाज नहीं आई तालियों की, क्या कहते हैं? चलिए तो आगे आ जाइए जल्दी जल्दी, क्योंकि जो बैठे रहेंगे उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। जल्दी से अपनी अपनी सीटों में बैठ जाइए। हमजा वैसे एक बात बताइए, जो लोग खड़े हुए तो सीट आपने किसके लिए लगवाई अगर ये नहीं बैठ रहे तो? सर ये कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं भाई। कहाँ जा रहे हो? बज़्मे अदब 2017 इतनी पॉपुलर हो गई है, बैठने के लिए नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम सदर से रिक्वेस्ट करते हैं फारूक अहमद सईद साहब से कि अगले साल इसको डबल कर दें। डबल कर दीजिए, क्या कर रहे हैं फारूक साहब? चलिए हम कोई चोर स्टार्ट करें। एक सवाल और है जी, जितनी पब्लिक है लेकिन तालियों से तो अंदाजा नहीं हो रहा यहाँ इतनी पब्लिक। तालियों की आवाज नहीं आ रही लगता है, अब लगता है। अरे मुसलमानों जागो जागो मुसलमानों, चलिए हम पीछे चलते हैं पब्लिक में। मैं नीचे आ गया हूँ ऑडियंस में। स्टार्ट करते हैं हमजा जी, मैं सवाल पूछूंगा जनाब आपसे। गिफ्ट टीम आ जाए हमारे साथ, गिफ्ट टीम। सर आप मुझे बताइए, आपके मामू की बहन की सास के बेटे की सास के पोते की बीवी की सास का शौहर आपका कौन हो? समझने के लिए टाइम चाहिए सवाल। चलिए अगला सवाल पूछते हैं। एक घर में देखा गया बाप को जेल हो गई, बाप को जेल हो गई, भाई ने पैसों की खातिर अपना घर बेच दिया, माँ छोटे से होटल में बगैर पैसों के रह रही है लेकिन उनकी बेटी फिर भी मुस्कुरा रही है, बताइए क्यों? बहुत मुश्किल सवाल है हमजा। तुक्का लगाओ मुसलमानों, ऐसा नहीं चलेगा जी। कोई है जो इस बात का जवाब दे? मेरे पास एक उम्मीदवार है जी। पागल है वो? पागल है? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। जी मेरे पास और भी उम्मीदवार है, हाथ उठाइए कितनों को इस सवाल का जवाब पता है। सवाल यह है कि एक बाप को जेल हो गई, भाई ने पैसों की खातिर अपना घर बेच दिया, माँ छोटे से होटल में बगैर पैसों के रह रही है लेकिन बेटी फिर भी मुस्कुरा रही है, बताइए क्यों? आइए, क्योंकि उसकी माँ जिंदा है। करोड़पति खेल, वो मोनोपोली करोड़पति खेल है, भरपूर तालियां। हमजा एक सवाल मेरी तरफ से। जी बिल्कुल, बताइए वो कौन सी चीज है जो लोग कान से निकालकर खाते हैं? बताइए वो कौन सी चीज है जो लोग कान से निकालकर खाते हैं? जी नमक, नमक खाते हैं। ये कह रहे हैं वो नमक है जो लोग कान से निकालकर खाते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उमेश इनको गिफ्ट दे दीजिए, लगे भरपूर तालियां उनके लिए। अच्छा यहाँ पे शादीशुदा हजरात जो है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। शादीशुदा हजरात, सर आप मुझे बताएंगे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, नाकाम मर्द के पीछे किसका हाथ? औरत का हाथ होता है। एडवांस करें इस जवाब को। नहीं, औरत औरत का ही हाथ होता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ मजीद इजाफा है। गर्लफ्रेंड का? नहीं भाई, गर्लफ्रेंड कहां से ले आए? एक मिनट, बाइक नहीं मिलेगी, बाइक नहीं मिलती भाई, बाइक नहीं मिलती यहाँ पे। एक मिनट, किसी औरत का? एक से ज्यादा औरतों का, इनके लिए गिफ्ट यहाँ पर लेके आ जाए। हमजा एक सवाल और है मेरे पास ऑडियंस के लिए, यहाँ पर आपकी इजाजत हो तो पूछ लो हमजा। जी बिल्कुल, बताइए ईद उल फितर इस्लामी महीने की। शबीर भाई एक मिनट रुकिएगा जी जी। अच्छा हमजा, चलिए शबीर भाई कैरी ऑन। बताइए ईद उल फितर इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को आती है? फर्स्ट डे ऑफ शवाल। लेकिन इस बच्चे के लिए एक और सवाल है, इस्लामी महीनों में शवाल इस्लामी महीनों में कौन से नंबर पे आता है? फंस गए। नहीं नहीं, आगे बढ़े आगे बढ़े, आगे आ जाए थोड़ा बच्चे। अच्छा ये पीछे जो लोग खड़े हैं आपको गिफ्ट नहीं मिल पाएगा अगर आपको आंसर सही भी आता होगा, बैठ जाए प्लीज। एक और सवाल है, एक और सवाल है जी। अरबी दूध बेचने वाले को क्या कहेंगे? अरबी दूध बेचने वाले को क्या कहेंगे? आपको रिफ्रेश कर दें, जो अरबी है और वो दूध बेच रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? खीर फरोश। नहीं, जवाब गलत है। एक
मुसलमानों तुक्का लगाओ, तुक्का नहीं तो तिक्के लगाओ। कवाला कवाला जवाब गलत है। अरबी दूध बेचने वाले को क्या कहेंगे? दूध बेचने वाला नहीं 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 अरबी दूध बेचने वाले को क्या कहेंगे? और कोई? हेलो इधर बात सुनिए, इनका नाम क्या? शबीर भाई। दूध वाला शबीर भाई। शबीर भाई नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल भाई कुछ कह रहे हैं? एक सवाल मैं पूछता हूँ। जी 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 बिल्कुल। आप खामोशी, थोड़ी सी खामोशी। तमाम लोगों के इन हालात में जमा करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो आपकी तवज्जो प्रोग्राम की तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना? वो कौन सी बर्फ है जिसका पानी आप जितने प्यासे हो, ठंडा पानी हो, आप पी नहीं सकते जितने प्यासे हो? कौन सा? आर्टिफिशियल बर्फ का पानी? नहीं, मैं बताऊं। गिफ्ट नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, बताएं आप लोग, चले बताएं। वो कौन सी बर्फ है जिसका पानी दिल भी करता है तो पीने का नहीं पीते? ये जवाब दे रहे हैं फैसल भाई। फैसल भाई जवाब मैं बताऊं? नहीं, ये जवाब दे रहे हैं पहले। ये बता रहे हैं, बताइए। आरओ प्लांट का पानी। आरओ प्लांट का पानी? नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, कोई नहीं बता पाएगा मेरा ही। अरे जवाब आ गया, जवाब आ गया। मैयत के नीचे जो बर्फ लगाते हैं। और दुनिया में ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसका चालान नहीं होता? स्क्रू ड्राइवर। अच्छा जी, जरा तमाम लोग हाथ ऊपर करके तालियां बजाएं। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप लोगों? थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक मिनट बच्चों, आप लोग बैठ जाओ। चलो मैं एक सवाल और करता हूँ, एक आसान सा सवाल। आप अपने पैसे को बगैर कुछ किए दुगना कैसे कर सकते हैं? जी जी जी, आप अपने पैसों को बगैर कुछ किए दुगना कैसे कर सकते हैं? एक मिनट बच्चों, आप लोग बैठो, आप लोग बैठो। जी जी, आड़ के गलत गलत। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मैं पीछे आ रहा हूँ, मैं पीछे आ रहा हूँ। बच्चों आप लोग बैठो, आप लोग बैठो, आप लोग बैठो। हम जरा यहाँ पीछे आ रहा हूँ। जी जी, चेंज करा के। नहीं नहीं, सही जवाब नहीं मिला मुझे। एक मिनट, ख्यालों में? ख्यालों में? नहीं 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 नहीं, आगे। नहीं 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 नहीं, खुले करवा के? नहीं, खुले करवा के भी नहीं। मुसलमानों जागो, पहले तालियां बजाओ एक दम अपने लिए। जवाब दे, अब मुझे बताइए, आप अपने पैसों को बगैर कुछ किए दुगना कैसे कर सकते हैं? ये हमजा एक बच्चा और जवाब दे रहे हैं। इसे मल्टीप्लाई करके? नहीं भाई नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आसान सा जवाब, आसान सा जवाब। जी जनाब, हमजा एक और है, अल्लाह की राह में। नहीं नहीं नहीं, एक और है। जी एक मिनट, एक स्टेट कराएंगे? जी फोटो स्टेट कराएंगे? नहीं भाई नहीं, बगैर कुछ के फोटो स्टेट में 2 रुपए लगते हैं भाई। आईना दिखा के दुरुस्त जवाब, भरपूर तालियां उनके लिए। ये लीजिए जरा एक सवाल मेरी तरफ से, पीछे ऑडियंस के लिए, पीछे वालों, पीछे वाली ऑडियंस, आपकी तरफ आ रहे हूँ। सवाल ये, कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन, कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? फरवरी आंसर नहीं है। एक नहीं, बिल्कुल गलत। कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, बताइए कितने महीने जिनमें 28 दिन होते हैं? फरवरी। फरवरी नहीं आंसर। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा आंसर दीजिए। एक महीना? नहीं नहीं, एक मिनट। लिपियर? नहीं 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 नहीं, पूरे ईयर में, पूरे ईयर में, पूरे साल में हर महीने में 28 दिन तो होते हैं भाई। क्या हो गया? ईयर में तालियां बजाओ एकदम जोरदार तरीके से। अच्छा जी, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ आगे से। जनाब सर, आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नवेद। नवेद साहब, बताइए घोड़े की 6 टांगे कहाँ होती है? 4 ही होती है सर। 4 होती है? नहीं भाई, 6 भी होती है, बताइए कैसे? होता आपका वो घोड़ा है शतरंज में? नहीं नहीं नहीं, शतरंज में। घोड़े की 6 टांगे कब होती है? बैठा ऊपर, जब कोई बंदा बैठा हुआ तो 6 टांगे हो जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। गई थी हम सब, एक दफा